दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साइकिल के सस्पेंशन के लिए एक ऐसा रेडीमेड स्टिकर बनाकर दिखाऊंगा जो ना तो अब तक किसी कंपनी वाले ने बनाया है और ना ही किसी यूट्यूबर ने बनाकर आपको बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल टाइप का रेडीमेड स्टिकर बनाकर दिखाऊंगा और इस रेडीमेड स्टिकर को मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लगाकर दिखाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय टेक आइडियाज़ को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि मैं जैसे ही अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है मेगा ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब नेटवर्क और आप देख रहे हैं विजय टेक आइडियाज़ चैनल, टोटली लेटेस्ट एंड डिफरेंट वीडियोस। तो इसके लिए हम रेड और ब्लैक कलर का रेडियम स्टिकर बनाएंगे। ये रहा हमारा रेडियम पेपर। इस रेडियम पेपर को आप जो बाइक के लिए नंबर प्लेट बनाते हैं उनके यहाँ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसका ऑनलाइन बाइंग लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसको ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं इन डिज़ाइंस को इस पर लगाऊँगा। इसके लिए हमें इस फेवी गम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, मैं इस पर इस फेवी गम को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रख देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से इसको इस पर लगा देंगे। तो इसी तरह से हमने अपने दूसरे डिज़ाइन को भी इस पर चिपका लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे धूप में सूखने के लिए, उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे। तो चलिए, मैं अब इसको धूप में रखता हूँ सूखने के लिए। तो ये देख लीजिए, हमारा डिज़ाइन जो है पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैं इस पर मार्किंग भी कर लिया हूँ कि मुझे कौन सा ब्लैक रखना है, कौन सा रेड रखना है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो चलिए, मैं इसको फटाफट काट कर आपको दिखाता हूँ कि इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है। जहाँ जहाँ पर हमारा सीधा डिज़ाइन आएगा वहाँ पर हम स्केल का सहारा लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये सीधा वाला हिस्सा कट कर लेने के बाद अब हम ये जो राउंड वाला शेप है इसे कट करेंगे। तो ये देख लीजिए, मैं इसको किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, रेडियम स्टिकर बनाने को लेकर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आने के बाद मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है और इसलिए मैं इसको दोबारा बनाकर आपको समझा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, इसको कट कर लेने के बाद हमें जो हिस्सा इसमें से ब्लैक रखना है उसे हम पूरा निकाल लेंगे। रेडियम पेपर भी और ये ऊपर वाला चिपकाया हुआ कागज़ भी हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमें ये वाला हिस्सा जो है पूरा ब्लैक रखना है, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा हिस्सा जो है बाहर निकाल लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम इस सारे जो हमें ब्लैक रखना है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमें जो हिस्सा ब्लैक रखना है उसे हम पूरी तरह से निकाल लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इस पेपर को निकाल लेंगे। इस पेपर को आपको बहुत आसानी से निकालना है, नहीं तो जो है रेडियम स्टिकर भी निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए, इस पे से मैंने अपने डिजाइन पेपर को निकाल लिया है। अब जहाँ जहाँ ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर ब्लैक कलर का हमारा रेडियम स्टिकर लगेगा। तो चलिए, अब मैं इसको ब्लैक कलर के रेडियम पेपर पर चिपकाता हूँ, उसके बाद फिर इसको दोबारा कटिंग करता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारा ब्लैक कलर का रेडियम पेपर है। अब इसके ऊपर हम इस डिज़ाइन को लगाएंगे इस कार्टन टेप की मदद से, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, मैं इसको फटाफट लगा ले रहा हूँ। दोस्तों, ये कार्टन टेप और ये कटर आपको स्टेशनरी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। देख लीजिए, इसको निकालने के बाद अब इस ब्लैक कलर के रेडियम पेपर पर इसको चिपका लेंगे।
तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम इस पर अपनी कटी हुई डिजाइन को लगा देंगे। उसके बाद इस कार्टन टेप को छुड़ा लेंगे। इसको बहुत आसानी से छुड़ाना है, केवल कार्टन टेप ही छूट नहीं पाए, जो हमारा डिज़ाइन है वो ना छूट नहीं पाए। अब इसको हम थोड़ा सा काट कर अलग कर लेंगे ताकि ये बनाने में हमें आसानी हो। अब हम दोबारा से इसको कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस ब्लैक कलर के रेडियम पेपर को भी बाहर बाहर से कटिंग कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही ये बाहर से कट हो जाएगा, उसको हम निकालते जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम इसको काट लेंगे। और इसी तरीके से आप कोई भी रेडियम स्टिकर खुद अपने घर पर बना सकते हो, बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर के। जो भी कलर में आप कटिंग करना चाहो कर सकते हो। मेरा सस्पेंशन पूरी तरह से वाइट कलर का था, इसलिए मैंने उस पर ब्लैक और रेड कलर का ये स्टिकर बनाना पसंद किया। मार्केट में आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद रहेगा वो आप मार्केट से खरीद सकते हो। तो ये देख लीजिए, मेरा रेडियम स्टिकर जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड के रेडियम स्टिकर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये देख लीजिए, ये रहा हमारा रेडियम स्टिकर। अब इस डिज़ाइन पर हम इस कार्टन टेप को लगा देंगे, और उसके बाद जब इसको हमें कहीं पर लगाना होगा तो निकाल कर लगा देंगे। तो चलिए, मैं इस पर कार्टन टेप लगा कर इसको सेफ रख ले रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर से जो बबल है वो निकल जाए और इसके अंदर रहने ना पाए। अगर हमारा डिज़ाइन कहीं पर छूट रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ये छूट रहा है, तो दोबारा से हम इस पर कॉटन टेप को लगा देंगे ताकि जो है हमारा डिज़ाइन कहीं भी छूटने ना पाए। क्योंकि अगर डिज़ाइन छूट जाता है तो लगाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और जब हमें लगाना रहेगा तो इसको दोबारा निकाल कर हम उस जगह पर लगा देंगे जहाँ पर हमें इसको लगाना रहेगा। तो ये देख लीजिए, ये पूरी तरह से हमारा रेडियम स्टिकर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम अगर बनाकर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। इसको आप कहीं भी रखोगे तो ये निकलेगा नहीं, और ये जो डिज़ाइन है ये टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं अपने दूसरे डिज़ाइन पर भी इस टेप को लगा ले रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, पूरी तरह से हमारा रेडियम बनकर तैयार हो चुका है लगाने के लिए। तो साथियों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की ये वीडियो आपकी समझ में आई या नहीं आई ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।